City Hospital, Gurgaon Shahar. A young boy walked out of the main gate of the city hospital. This boy was approximately 19 years old and was soon going to be 20. लंबा और दुबला पतला था और उसका चेहरा कोमल था। हालांकि उसके उलझे हुए लंबे बाल, सूखदान भरी सफेद शर्ट और फटी पुरानी जीन्स उसे पुराना और यहाँ तक कि गरीब दिखा रही थी। उसके जूते भी बुरी तरह खराब हो चुके थे, जिनमें से एक की एड़ी भी टूट चुकी थी। हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ी घबराहट भी महसूस की। फिर उसने सिर उठाया और चमकती धूप को देखकर उसे सुकून मिला। वह पहली बार इस शहर के हॉस्पिटल में आधा महीना पहले आया था और उसे यह आधा महीना अपनी आधी जिंदगी जैसा लंबा लगा था। इस लड़के का नाम विपिन था, जो नूहू जिले के नगीना गांव का रहने वाला था। आधा महीना पहले उसने सड़क पर किसी अजनबी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे ही बुरी तरह से पीट दिया गया और यहां तक कि उसे चाकू से भी वार किया गया। इसके बाद उसे गुड़गांव सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सबसे बुरी बात यह थी कि जिस अजनबी को उसने बचाया था, वह बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया, जिस कारण कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जा सका और कोई गवाही भी नहीं दे सका कि विपिन ने सही किया था। मामला ठंडा पड़ गया और इलाज की महंगी फीस भी उसे ही चुकानी पड़ी। विपिन अमीर नहीं था, उसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और उसके पिता भी 7 साल पहले बीमारी से गुजर गए थे। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। पिछले साल उसने स्कूल छोड़कर गांव के आसपास छोटे मोटे काम करने शुरू किए थे। उसकी लगभग 10,000 रुपए की बचत थी, जो इलाज पर खर्च हो गई। विपिन के लिए यह बेहद निराशाजनक था, लेकिन इस बुरी घटना में एक अच्छी बात भी थी। जब वह अपनी गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, तो उसने अपने पहने हुए जेड पेंडेंट से एक अजीब सी गर्माहट महसूस की, जिससे उसके दिमाग में एक अनमोल ज्ञान भर गया। इस जेड पेंडेंट को उसने एक दिन सड़क से उठाया था और तभी से इसे पहन रखा था। जब विपिन ने उस जानकारी को समझने की कोशिश की, तो उसने पाया कि यह प्राचीन जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों के बारे में है और प्राचीन योद्धाओं की तरह शक्तियां बढ़ाने के तरीके भी इसमें थे। विपिन, जो पहले देवी देवताओं या भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब इस रहस्यमय अनुभव के कारण इन पर यकीन करने लगा था। इस नए ज्ञान और शक्तियों ने उसे एक नई उम्मीद दी और उसकी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल दिया। अब उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि इस ज्ञान और शक्तियों से उसके जीवन में सुधार हो सकता है। चमकती धूप का सामना करते हुए उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे वह जल्द ही कोई शक्तिशाली और अमीर इंसान बनने वाला हो। हालांकि अगले ही पल उसके सारे सपने टूट गए, जब भूख से उसका पेट कसमसाने लगा। वह अपने पेट को सहलाते हुए बोला, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा, पहले कुछ खा लेता हूं। जब उसने पैसे देखने के लिए अपनी जेब चेक की, तो उसे सिर्फ 100 रुपए का नोट और 3 1-1 रुपए के सिक्के मिले। क्या मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं, उसने मायूस होकर कहा। विपिन के डेबिट कार्ड में भी बस कुछ 1,000-2,000 रुपए ही बचे थे और यह पैसे इस महंगाई के जमाने में ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे। अगर उसने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया, तो वह जल्द ही भूख से तड़प कर मर जाएगा। विपिन फिर उस 100 के नोट को देखता है और मजबूरी में पास की एक दुकान की ओर बढ़ता है। भाई साहब, एक बिस्किट का पैकेट देना, विपिन ने उस दुकान के मालिक से कहा, जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। दुकानदार ने विपिन की ओर देखा, फिर बिस्किट का पैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, 20 रुपए। विपिन हैरान रह गया। क्या कहा आपने, 20 रुपए? उसने दुकानदार से पूछा। हाँ, दाम बढ़ गए हैं, दुकान के मालिक ने तीखे स्वर में कहा। विपिन ने फिर दुकानदार से ज्यादा बहस न करते हुए उसे 20 रुपए दे दिए। उसने उस बिस्किट के पैकेट को देखा और एक आह भरी, फिर से महंगाई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे और अपनी जिंदगी को भी सुधारना होगा। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले विपिन एक डिलीवरी बॉय था। उसने सोचा, क्या हॉस्पिटल में आधा महीना रुकने के बाद मेरी नौकरी बची भी होगी या नहीं। बिस्किट खाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और आनंद अंकल को फोन किया। हाँ छोटू, तुम ठीक तो हो ना, और तुम हॉस्पिटल से कब निकले? फोन के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो, विपिन ने आनंद अंकल से कहा। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान ही निकल रही थी, पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होगी। और हाँ बेटा, तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी नौकरी बचा कर रखी है, कोई जल्दबाजी नहीं, तुम अभी 1-2 दिन और छुट्टी पर रहो, काम पर आने से पहले कुछ और दिन आराम कर लेना, आनंद जी ने विपिन को समझाते हुए कहा। आनंद अंकल की बातें सुनकर विपिन ने तसल्ली भरी सांस ली
और उन्हें दिल से धन्यवाद कहा। आनंद अंकल एक भले और ईमानदार आदमी थे, उन्होंने हमेशा ही विपिन का अच्छे से ख्याल रखा था। मैं ठीक हूं अंकल, मैं कल ही काम पर आ जाऊंगा, विपिन ने तुरंत कहा। बेटा एक बार अच्छे से सोच लेना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद आनंद अंकल ने फोन काट दिया। विपिन फिर बस में चढ़ गया। ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए वह नगीना गांव पहुंचा। नूह जिला दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। नगीना गांव नूह जिले के पूर्वी किनारे पर था और एक पहाड़ के पास स्थित था। वह बस से उतरा और 10 मिनट पैदल चलने के बाद घर पहुंचा। विपिन तुम वापस आ गए हो? एक पड़ोसी ने विपिन से पूछा। विपिन ने उस पड़ोसी से हाथ मिलाया और धन्यवाद कहते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। इस गांव के सभी घर वहां रहने वाले परिवारों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन विपिन का घर पुराना और टूटा फूटा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा, बगल के एक मकान से अधेड़ उम्र के आदमी ने, जो हाथ में चावल का कटोरा पकड़े हुए था, विपिन से पूछा, विपिन तुम आ गए? विपिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी उस मकान के अंदर से एक और तीखी आवाज आई, ओह विपिन तुम वापस आ गए हो, आधे महीने तक अस्पताल में पड़े रहने के बाद तुम्हें सबक तो मिल ही गया होगा। इतनी कम उम्र में गुंडों की तरह लड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौड़े कंधे और उतनी ही चौड़ी कमर वाली एक अधेड़ उम्र की महिला विपिन को ताना मारते हुए बगल के घर से बाहर निकली। विपिन पर एक उदासीन नजर डालने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे पता था तुम कोई अच्छे लड़के नहीं हो, तुम्हें कुछ मेरे बेटे राहुल से सीखना चाहिए, वह बहुत ही आज्ञाकारी और होशियार है। वह जल्द ही शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और डिग्री लेने के बाद वह एक सरकारी अधिकारी बन जाएगा, और तुम तो हमेशा ही ऐसे लड़ते झगड़ते फटीचर की तरह घूमते रहते हो। उस औरत की आवाज तीखी और बहुत तेज थी, जिसे दूर से सुना जा सकता था। जब वह बोल रही थी तो गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। विपिन के चेहरे का रंग बदल गया, उसे उस वक्त उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह अधेड़ उम्र की महिला उसकी चाची थी, वह हमेशा ही उसे बुरा भला कहती रहती थी और जब भी वे मिलते थे वह उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। कौन सी बदमाशी, मैंने तो उल्टा किसी की जान बचाई, विपिन ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए समझाया। उस अधेड़ उम्र की महिला के होंठ कस गए और वह तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुमने किसी की जान बचाई? हाँ क्या मजाक है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म और झूठे भी हो सकते हो। अगर तुमने सच में किसी की जान बचाई थी तो वह आदमी कहाँ है और कौन है? विपिन ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली, क्योंकि अब उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था। अधेड़ उम्र की महिला ने फिर से कहा, इस नगीना गांव में कौन नहीं जानता कि तुम एक गुंडे हो, तुमने तो स्कूल में भी लड़ाई की थी जिस कारण तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है, मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि जब से तुम छोटे थे तुम बड़े होकर मेरे राहुल की तरह एक अच्छे और काबिल आदमी कभी नहीं बन सकते। वह अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए शहर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर सरकारी अधिकारी बनेगा, अपने बेटे की तारीफ करते हुए वह खुश लग रही थी। विपिन की मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे एक अजीब नजर से देखते हुए बड़े बड़े कदमों से अपने घर की ओर चला गया। हाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देखा तुमने इस छोटे ने मुझे कैसी नजरों से देखा, बाहर से उसकी कर्कश आवाज आई। घर के अंदर पहुंचकर विपिन ने रसोई में जाकर कुछ साधारण सा खाना बनाया। खाना खाकर वह ऊपर छत पर चला गया। उसके घर में 3 कमरे थे, मगर विपिन को रात में छत पर लेटकर तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। छत पर पहुंचकर विपिन एक चारपाई पर लगे बिस्तर पर लेट गया और रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाने वाले सितारों को देखने लगा। उसके दिमाग में विचार कभी उमड़ते कभी बिगड़ते। वह अपने भविष्य को लेकर और क्या करना चाहिए, इस बारे में लंबे समय तक सोचता रहा। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। विपिन फिर सुबह जल्दी ही उठ गया, नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि उसे फिर से अपनी नौकरी पर जाना था। नहाने के बाद विपिन ने कुछ हल्का फुल्का खाया और शहर की ओर निकल पड़ा। लगभग 10 बजे तक वह शहर पहुंच गया। लगभग 10 बजे तक विपिन आनंद अंकल की डिलीवरी दुकान पर पहुंच गया। कैसा चल रहा है छोटू, तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो ना, आनंद अंकल ने उसे देखकर कहा। आनंद अंकल का पूरा नाम आनंद शुक्ला था। उनकी उम्र 50 से कुछ ऊपर थी। आंखों पर गोल चश्मा लगा था जिससे वो बहुत बड़े विद्वान लगते थे। वे कई साल पहले टीचर थे, लेकिन जब डिलीवरी बिजनेस में तेजी आई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस बिजनेस में उतर गए। अंकल मैं एकदम ठीक हूं, वैसे पूछने के लिए शुक्रिया,
विपिन ने अपनी सीने पर हाथ रखते हुए कहा, चलो ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम एकदम फिट हो। आनंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर उन्होंने बगल में पड़े पैकेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ, आज बहुत सारे पैकेजों की डिलीवरी होनी बाकी है। और हाँ, आज से तुम्हारी ड्यूटी डीएलएफ फेज में होगी। विपिन ने उन पैकेजों की ओर देखा तो पाया कि लगभग 50-60 पैकेज थे, जिनमें कुछ छोटे तो कुछ बड़े थे। ठीक है अंकल जी, मैं इन सभी को पहुंचा देता हूं, विपिन ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद उसने अपनी 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक निकाली और सारे पैकेजों को उस पर अच्छे से लाद दिया। जब सारे पैकेज सही से रख दिए तो वह बाइक पर बैठकर निकल पड़ा। सुबह के वक्त सड़कों पर काफी ट्रैफिक होता था और आज भी सड़कों पर भीड़ भाड़ थी। गाड़ियों के रुकने चलने पर लगातार हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए विपिन की 3-व्हीलर बाइक अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। लगभग 20 मिनट बाद विपिन की बाइक डीएलएफ फेज के पास रुकी। डीएलएफ गुड़गांव शहर का सबसे विकसित इलाका था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल और सुंदर सुंदर पार्क्स थे। यहाँ के लोग या तो बहुत अमीर थे या फिर बड़े बिजनेस से जुड़े हुए थे। विपिन अपनी बाइक से उतरा और पैकेजों को एक बार अच्छे से स्कैन किया। ये एक टी शर्ट है, ये जंक फूड है। अपने अनुभव और डिलीवरी स्लिप की जानकारी के साथ वह एक नजर में ही प्रत्येक पैकेज का अंदाजा लगा सकता था। ये तो बेडरूम के खिलौने हैं, विपिन ने एक पैकेट को उठाते हुए मुस्कुराया। दरअसल ये खिलौने पुरुष और महिला के बेडरूम में उपयोग होने वाली चीजें थीं। क्योंकि जितने अमीर आप होते जाते हैं, आपके शौक भी उतने ही बदलते जाते हैं। विपिन ने फिर अपना सिर झटका और उस पैकेज को वापस रखकर दूसरे पैकेजों की ओर ध्यान देने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे एक पैकेज पर पड़ी। डीएलएफ लेजर पार्क, हाउस नंबर 7। क्या यह पैकेज मिस अहाना के लिए है? विपिन ने पैकेज पर लिखे पते को पढ़ते हुए कहा। वह इस पते को अच्छी तरह पहचानता था। मिस अहाना का पूरा नाम अहाना सिंह था। वह गुड़गांव शहर की एक बहुत ही अमीर बिजनेस वूमेन थी और एक फैशन इंडस्ट्री की मालकिन भी। शहर में हर कोई उसे जानता था। अहाना सिंह को ऑनलाइन शॉपिंग का शौक था और विपिन लगभग हर 2 दिन में उसके घर पर डिलीवरी करता था, जिससे वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने लगे थे। मिस अहाना सिंह के अलावा विपिन डीएलएफ लेजर पार्क के अन्य अधिकतर ग्राहकों को भी पहचानता था। वह अभी भी इस समय घर पर होनी चाहिए, ये सोचकर विपिन ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल जल्द ही कनेक्ट हो गई। दूसरे छोर से एक आलसी और मधुर आवाज आई, हेलो कौन है? उसकी आवाज में जम्हाई की हल्की सी झलक थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी हो। मिस अहाना, मेरे पास आपकी एक डिलीवरी है, विपिन ने कहा। ओ अच्छा, तुम हो विपिन, ठीक है अंदर आओ, अहाना ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर विपिन ने अपनी कॉल कट की और अहाना के घर की ओर बढ़ने लगा। लेजर पार्क के मेन गेट पर पहुंचकर उसने गार्ड्स को अपनी आईडी बताई और अपनी 3-व्हीलर बाइक पर बैठकर शहर के सबसे अमीर रेजिडेंस में से एक में अंदर चला गया। यहाँ के सभी मकानों की छतें वेस्टर्न शैली में बनी हुई थीं और सारे मकान एक के बाद एक लाइन में बने थे। विपिन ने लेजर पार्क के अंदर कुछ मोड़ लिए और हाउस नंबर 7 पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे के सामने खड़ी औरत को देखकर विपिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक लंबी, पतली और बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके शरीर के सारे अंग बिल्कुल फिट थे और अगर वह किसी मॉडल शो में रैंप वॉक करती तो मिस इंडिया बनने की पूरी संभावना थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर और कोमल था और उसकी आंखें लाल फीनिक्स जैसी थीं, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। उसने केवल एक पतला काला लेसी नाइटगाउन पहना हुआ था, जो मुश्किल से उसके शरीर को ढक रहा था और इसने उसकी पहले से ही आकर्षक बॉडी को और भी आकर्षक बना दिया था। मिस अहाना को देखकर विपिन का चेहरा एक पल में लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। लेकिन अहाना को पता नहीं था कि विपिन क्या महसूस कर रहा है और वह आलस से भरी हुई जम्हाई ले रही थी। उसे इस तरह जम्हाई लेते देख विपिन का चेहरा और भी लाल हो गया। फिर उसने सिर नीचा करते हुए थैला उसकी ओर बढ़ा दिया। डिलीवरी फॉर यू मिस अहाना। अहाना सिंह ने आखिरकार नोटिस किया कि विपिन आज कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसने क्या पहना हुआ है। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। हालांकि वह कोई छोटी लड़की नहीं थी जो इतनी आसानी से शर्मिंदा हो जाए। जब उसने देखा कि सामने वाला लड़का इतना शर्मिंदा हो रहा है और वह हंसने लगी। फिर अहाना ने मुस्कुराते हुए विपिन के हाथों से पैकेज लिया
और एक पेन से डिलीवरी स्लिप पर साइन करने लगी। मैंने तुम्हें कुछ समय से देखा नहीं है विपिन, अहाना ने स्लिप पर साइन करते हुए कहा। अरे मैं कुछ समय पहले चोट के कारण हॉस्पिटल में था, मुझे कल ही छुट्टी मिली, विपिन ने जवाब दिया। ये सुनकर मिस अहाना ने चिंतित होकर पूछा, चोट लगी, क्या हुआ, तुम अभी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, विपिन ने डिलीवरी स्लिप को पकड़ते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी नजर अहाना के नाइट गाउन के नीचे की ओर गई। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा आंशिक रूप से कपड़े से छिपी हुई थी और उसके चारों ओर फैली उसकी खुशबू ने माहौल को और भी मोहक बना दिया था। चलो मैं चलता हूँ मिस अहाना, मुझे और भी पैकेज पहुंचाने हैं, विपिन ने जल्दी से कहा और वहां से भाग निकला, जैसे किसी चीज से बच रहा हो। उसे इस तरह शर्माकर भागते देख मिस अहाना जोर जोर से हंसने लगी। विपिन जल्दी से अपनी थ्री व्हीलर बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकला। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अब जाकर उसे कुछ शांति महसूस हुई। वह केवल 20 साल का था और इस उम्र में ऐसे दृश्यों को देखकर उसका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। अपनी इस डिलीवरी वाली नौकरी के कारण विपिन के साथ अक्सर ऐसी अजीब घटनाएं हो जाती थीं। उसने डिलीवरी करते समय कई बार घटिया कपड़े पहने लोगों को देखा था, जिससे उसे अब कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता था। मगर मिस अहाना अलग थी, वह न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि दयालु भी थी और इस वजह से विपिन उसे पसंद करता था। हालांकि विपिन का उसे पसंद करना एक दोस्त की तरह था, वह मोहक होने के साथ साथ बहुत ही समझदार औरत भी थी। शांत होने के बाद विपिन ने अगला पैकेट उठाया और स्लिप में दी गई जानकारी पढ़ने लगा। लेजर पार्क, हाउस नंबर 14। ये तो मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन का पूरा नाम मोहन लाल था। वह एक अमीर बिजनेसमैन थे जिनके शहर में 10 से भी अधिक बिजनेस थे। मोहन लाल एक नंबर के पेटू थे और उनके ऑनलाइन ऑर्डर में भी सारा खाना ही होता था। विपिन ने फिर मोहन लाल को फोन किया और वहां से निकल गया। अपनी थ्री व्हीलर बाइक पर बैठकर वह हाउस नंबर 14 पहुंच गया। उसके दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजा खुल गया। मेन डोर पर एक मोटा और गोल चेहरा वाला आदमी दिखाई दिया। उसकी गर्दन में एक मोटी सोने की चेन लटकी हुई थी और जब भी वह चलता था तो विपिन को धरती कांपती हुई महसूस होती थी। विपिन ने उसे पैकेज सौंपते हुए कहा, मिस्टर मोहन लाल, प्लीज यहां साइन कर दीजिए। मोहन लाल ने पैकेज लिया और एक बड़ा सा MNL लिखकर साइन कर दिया। तभी घर के अंदर से एक महिला की डांटने वाली आवाज सुनाई दी। मैं तुमसे दुखी हो चुकी हूं, आप फिर से खाना खरीद रहे हैं, आप हर दिन खाने के अलावा कुछ और नहीं जानते, अगर आपका वजन कम नहीं हुआ तो एक दिन आप मुझे बिस्तर पर दबाकर ही मार देंगे। ये बात सुनकर मिस्टर मोहन लाल का चेहरा स्याह हो गया। ये औरत अगर मैं जो चाहता हूं वह नहीं खा सकता तो मैं भी तो मर सकता हूं। विपिन ने जब मोहन लाल के शरीर की ओर देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि मिस्टर मोहन को कुछ वजन कम करना चाहिए, वरना एक दिन वह फूलकर गुब्बारे जैसे हो जाएंगे। आह, मैं भी कुछ वजन कम करना चाहता हूं, काश यह इतना आसान होता, मोहन लाल ने अपने निकले हुए पेट को सहलाते हुए खुद से ही कहा। फिर वह पैकेज लेकर घर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से झगड़े की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। विपिन मुस्कुराया और वहां से मुड़कर चलने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक वह रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वजन कम करना है, ठीक है, मुझे याद है कि बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में इसके लिए एक नुस्खा था। अगर मैं वजन घटाने के लिए एक औषधि बना सकता हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इस ख्याल से विपिन की आंखें चमक उठी। दरअसल विपिन को एक जेड पेंडेंट के कारण औषधि बनाने की विधियों की जानकारी मिली थी। ये सारी जानकारी जिस किताब में थी उसे बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन कहा जाता था और वह किताब विपिन के दिमाग में ऐसे छपी हुई थी जैसे उसने उसे खुद ही रट रट कर पढ़ी हो। बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन के अलावा भी विपिन को बहुत सी अलग अलग चीजों की जानकारी मिली थी, जैसे जड़ी बूटियों की पहचान, चिकित्सा कौशल, ताबीज बनाना, अलौकिक शक्तियों को भगाना इत्यादि। अस्पताल में रहते हुए विपिन बहुत बोर हो गया था तो टाइम पास करने के लिए उसने इस जड़ी बूटियों की किताब पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं से उसे वजन घटाने वाली जड़ी बूटियों और उनके बनाने की विधि के बारे में पता चला था। बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग अपने काम बहुत ही कम करते थे, जिससे मोटापे की दर बढ़ती जा रही थी और लड़कियां तो अपने वजन के बारे में बहुत सोचती थीं, इसलिए वजन घटाने के नए नए तरीकों का बिजनेस काफी तेजी से चल रहा था। मार्केट में वजन घटाने की गोलियों और विभिन्न प्रकार की दवाओं की भरमार थी। इनमें से अधिकतर दवाएं तो बेकार थीं, जिनका कोई असर भी नहीं होता था। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका अभी भी अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना था। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंक फूड खाने और एक्सरसाइज न करने,
के कारण लोगों का वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे लगता है यह एक अच्छा आइडिया है, विपिन जितना इसके बारे में सोचता जा रहा था उतना ही खुशी से पागल हो रहा था। अगर वह कोई वजन घटाने वाली दवा बना लेता तो उसकी मदद से वह एक अच्छा बिजनेस कर सकता था। ठीक है, फिर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स और यहां तक कि सेक्सुअल दवाओं के लिए भी कुछ औषधियां बनाऊंगा, फिर उन औषधियों को एक अच्छा सा ब्रांड नेम देकर मार्केट में उतारूंगा। लोग इन सारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्चा करेंगे, विपिन ने कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हुए कहा। लड़कियों की सुंदर दिखने की चाह के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा से एक अच्छा बिजनेस रहे हैं। वहीं आदमियों के लिए बेड पर ज्यादा समय टिकने की चिंता भी हमेशा से एक मुद्दा रही है। अगर विपिन इन चीजों के लिए कोई प्रोडक्ट बना सकता था तो उसे भविष्य में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। विपिन ने अब तय कर लिया था कि वह बिजनेस जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक दोपहर हो चुकी थी और विपिन ने सारे पैकेज डिलीवर कर दिए थे। वह फिर बैंक गया और अपने अकाउंट में बचे हुए 1000 रुपए निकाले। अपनी 3-व्हीलर बाइक पर बैठकर वह औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर निकल पड़ा। विपिन इस बाजार में पहली बार आया था। इसके अलावा बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में दी गई जड़ी बूटियों के नाम बाजार में मिलने वाली जड़ी बूटियों से अलग थे, जिससे विपिन को उन्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कि डिवाइन बुक में एक जड़ी बूटी का नाम चमकीली लाल घास था। पूरे बाजार में किसी को नहीं पता था कि यह कौन सी जड़ी बूटी थी। अब विपिन के पास एक ही उपाय था, डिवाइन बुक में दी गई जानकारी पढ़कर उन्हें ढूंढना। विपिन को सारी जरूरी जड़ी बूटियां ढूंढने में लगभग 5 घंटे लग गए और अब तक शाम हो चुकी थी। उसने हर एक जड़ी बूटी की 5 जोड़ी खरीदी और फिर बाजार से अपने गांव की ओर निकल गया। गांव पहुंचने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सभी जड़ी बूटियों को एक पुरानी सी दिखने वाली मेज पर रख दिया। विपिन ने फिर मेज पर रखी जड़ी बूटियों में से एक जोड़ी उठाई और अपनी हथेली पर रखी। देखते ही देखते उसके हाथ में सफेद रोशनी चमकने लगी, जिसने उन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से ढक लिया। ये सभी जड़ी बूटियां जमीन पर उगती थीं और पृथ्वी से निकलने वाली नेचुरल एनर्जी को अवशोषित करती थीं। विपिन अपनी बॉडी से उसी एनर्जी को निकालकर उन जड़ी बूटियों को शुद्ध कर रहा था, जिससे वे और भी ज्यादा निखर गईं। अच्छे से शुद्ध होने पर इन जड़ी बूटियों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपनी बॉडी से इस तरह एनर्जी निकालने के बारे में भी विपिन को अपने जेड पेंडेंट से मिली जानकारी से पता चला था। एक आम इंसान अपनी बॉडी से इस तरह की एनर्जी निकालकर उसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए जड़ी बूटियों को भी विपिन की तरह शुद्ध नहीं किया जा सकता था। और अगर जड़ी बूटियों को अच्छे से शुद्ध नहीं किया जाएगा तो उनका असर भी ज्यादा नहीं होगा। इसी कारण से हजारों सालों से इन जड़ी बूटियों का असली उपयोग कोई नहीं कर पा रहा था। लगभग 10 मिनट तक उन जड़ी बूटियों को ऐसे ही शुद्ध करने के बाद विपिन ने उन्हें एक कटोरे में रख दिया और मूसल से कूटने लगा। 1 घंटे तक कूटने के बाद उन जड़ी बूटियों से एक लिक्विड पदार्थ निकलने लगा। उसने उस लिक्विड पदार्थ को एक छोटी कटोरी में डाला। वह लिक्विड पदार्थ चमकीले हरे रंग का था और उसमें से घास की तीखी सुगंध आ रही थी। जब विपिन ने उस छोटी कटोरी में रखे लिक्विड को देखा तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने औषधीय लिक्विड तो बना लिया था, लेकिन इसे कैसे जांचे कि यह असरदार भी है या नहीं। इस औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, क्योंकि यह सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाई गई थी, इसलिए इसका उपयोग करने वाले पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। विपिन पहले से ही दुबला पतला था, इसलिए उस पर इस औषधि का असर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। अब वह इसी सोच में परेशान था कि आखिर इस औषधि का असर कैसे चेक करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, क्यों ना इस औषधि को जानवरों पर आजमाया जाए। वैसे भी उसके चाचा ने 10 भेड़ पाले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना इन्हीं पर औषधि का प्रयोग किया जाए। वे सभी भेड़े तंदुरुस्त और मोटी थे, जो इस औषधि का परीक्षण करने के लिए एकदम सही थे। विपिन फिर आधी रात में चुपके से भेड़ों के चारे में औषधि मिला देता है। उस औषधि की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सभी भेड़े दौड़ते हुए आए और किसी भूखे कुत्ते की तरह उसे खाने लगे। अरे वाह, अच्छी भेड़ें, और खाओ, विपिन ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वह घर लौट आया और बाकी जड़ी बूटियों को तैयार करने लगा। सभी जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर वह चैन से सो गया। अगली सुबह जब उसने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो उसकी नींद खुल गई। विपिन ने जब उन आवाजों पर ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें पिछले दरवाजे से आ रही थीं। उसे तुरंत ख्याल आया कि कहीं उसकी औषधि खाकर भेड़ें दुबले पतले तो नहीं हो गए, जिन्हें देखकर उसकी चाची हंगामा कर रही हैं। वह जल्दी से बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और पिछले दरवाजे की ओर भागा। भेड़ों के चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी और लोग भेड़ों की ओर इशारा कर कुछ बातें कर रहे थे। भेड़ों के बारे में कोई रो रहा था, मेरे बच्चों,
तुम लोगों को क्या हो गया? विपिन ने भीड़ के बीच से निकलते हुए जब भेड़ों को देखा तो वह दंग रह गया। सभी 10 के 10 भेड़ें बिल्कुल पिचक कर सूख गए थे। उनकी खाल के नीचे से हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। पिछली रात जब उसने उन्हें देखा था तो वे सभी ताजगी से भरे मोटे ताजा थे और अब रातों रात उनका वजन काफी कम हो गया था। विपिन भेड़ों को देखकर नहीं बल्कि अपनी औषधि की शक्ति को देखकर हैरान था। उफ, चलो शुक्र है कि मैंने इंसानों पर नहीं बल्कि इन भेड़ों पर टेस्ट किया, विपिन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। विपिन इस बात का शुक्र मना रहा था कि अगर उसने इंसानों पर परीक्षण किया होता तो वे भी हड्डियों के ढांचे जैसे दिखते। ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने कल ही देखा था, ये सभी भेड़े मोटे और गोल मटोल थे, इतने मोटे कि वे मुश्किल से चल पा रहे थे। अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? वहां जमा भीड़ से एक व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि ये सभी किसी भूत प्रेत को देखकर डर गए होंगे, कहीं इन्होंने खूनी तांत्रिक को तो नहीं देख लिया। भीड़ में से एक और व्यक्ति ने पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा, नगीना गांव एक पहाड़ के बगल में स्थित था, अगर जादू टोने या भूत प्रेतों की बात होती तो उनमें कहीं ना कहीं खूनी तांत्रिक का नाम जरूर आता था। वह खूनी तांत्रिक बगल के पहाड़ों में ही कहीं रहता था, कहीं कोई शैतान तो नहीं आया? एक छोटे बच्चे ने उन लोगों की बातों में शामिल होते हुए कहा। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो छोटे बदमाश, सभी लोगों ने जोर से हंसते हुए कहा। विपिन भी उन सबके साथ हंस रहा था। सुबह सुबह उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। सबसे पहले उसकी औषधि सफल रही, हालांकि उसका असर थोड़ा ज्यादा था लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। दूसरा, उसने अपनी चाची से भी बदला ले लिया था। विपिन वहां से घर के अंदर आकर उस औषधि को चाय के साथ मिलाता है और फिर उसे बोतल में भर लेता है। उसने ऐसी कई बोतलें भर ली थी। विपिन ने औषधि को चाय के साथ इसलिए मिलाया ताकि उसका असर थोड़ा कम हो सके और इंसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिख सके। फिर वह अपनी छोटी 3-व्हीलर बाइक पर बैठकर शहर चला गया। जब वह किसी को डिलीवरी देने DLF लेजर पार्क पहुंचा तो उसने मोहन लाल को फोन किया। हेलो, मोहन लाल ने फोन उठाया। मिस्टर मोहन, ये मैं हूं, विपिन। अरे विपिन, क्या बात है, क्या आज भी मेरे लिए कोई डिलीवरी है? नहीं मिस्टर मोहन, मेरे पास उससे भी कुछ बेहतर है। डिलीवरी से भी बेहतर? और क्या हो सकता है? मोहन लाल ने हैरानी से कहा। यह एक हर्बल चाय है जो हमारे पारिवारिक नुस्खे से बनाई गई है। ये गर्मी को कम कर सकती है और शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकती है। आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बाहर का खाना खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए आज आपको कुछ अलग स्वाद आजमाना चाहिए। विपिन ने तुरंत यह नहीं बताया कि यह वजन घटाने वाली औषधि थी। हर्बल चाय बोलने से उन्हें यह अजीब भी नहीं लगा। खानदानी नुस्खा वाली हर्बल चाय, ओह सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो मैं इसे ट्राई करता हूं, मोहन लाल ने जवाब दिया। जब विपिन को मोहन लाल की अनुमति मिल गई तो उसने फोन काट दिया और मोहन लाल के घर हाउस नंबर 14 पहुंच गया। जब विपिन ने घंटी बजाई तो दरवाजा तुरंत खुल गया। मोहन लाल उसका इंतजार कर रहे थे। विपिन ने औषधि मिली चाय की बोतल मोहन लाल को दी, जिसकी खुशबू सूंघ कर मोहन लाल बोले, हम अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो बहुत स्वादिष्ट भी लग रही है। शुक्रिया विपिन, तुम वाकई एक अच्छे लड़के हो। फिर मोहन लाल ने अपना बटुआ निकाला और उसमें से 100 का नोट निकालकर विपिन को देने लगे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मोहन, यह आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, विपिन ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा। ओह तो ठीक है। विपिन के मना करने पर मोहन लाल ने पैसे वापस बटुए में रख दिए। विपिन फिर मोहन लाल के घर से निकल गया और शहर में अपना काम खत्म कर गांव वापस आ गया। शाम के वक्त विपिन को मोहन लाल का फोन आया। विपिन, ओह माय गॉड, तुम्हारी हर्बल चाय तो एक चमत्कारी चाय है। चमत्कारी चाय नहीं बल्कि चमत्कारी दवा कहना ठीक रहेगा। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी चमत्कारी चाय पीने से मेरा वजन कम हो गया है, लगभग 10 किलो वजन कम हो गया। मोहन लाल की आवाज खुशी, उत्साह और हैरानी से भरी थी। तुम्हारी हर्बल चाय सच में कमाल की है, क्या तुम्हारे पास और भी है? उन्हें कल लेकर आओ, मैं उसकी कीमत भी दूंगा, मोहन लाल ने उत्साह से कहा। ठीक है मिस्टर मोहन, मैं कल और ले आऊंगा। ओके ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, मोहन लाल ने फोन काटते हुए कहा। विपिन बहुत खुश था, आखिरकार उसकी बनाई औषधि ने इंसानों पर भी अच्छा असर दिखाना शुरू कर दिया था, यह उसके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। सुबह जल्दी उठकर विपिन अपनी 3 बाइक पर सवार होकर शहर के सबसे रिचेस्ट इलाके DLF लेजर पार्क पहुंच गया। विपिन तुम आ गए, मोहन लाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो इतने खुश था कि विपिन की ओर भागते हुए ऐसे लगा जैसे उसने किसी पुराने खोए हुए रिश्तेदार को देखा हो। मोहन लाल कुछ कमजोर लग रहा था, उसके कपड़े जो पहले टाइट आते थे अब ढीले हो गए थे
हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उसने सारा वजन कम कर लिया था। उसे अभी भी वजन कम करने की जरूरत थी। विपिन, कल जो तुमने वो अद्भुत चाय बनाई थी, सच में वो कमाल की थी। कहीं तुम्हारे पूर्वज कोई जादुई बाबा तो नहीं थे? मोहनलाल ने विपिन के हाथों को कसकर पकड़ते हुए उत्साहित आवाज में कहा। मोहनलाल अपने बढ़ते वजन से काफी परेशान था। उसने कई बार वजन कम करने की कोशिश की, कभी कभी महीनों तक एक्सरसाइज भी की, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा था। कई असफल प्रयासों के बाद उसने हार मान ली थी, मगर विपिन की दी हुई औषधि चाय पीने के बाद उसे एक नई उम्मीद नजर आई। मोहनलाल ने पहले कभी ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियों से बनी चाय नहीं देखी थी, जिसका असर एक ही दिन में दिखने लगा। असर इतना जबरदस्त था कि पहले ही दिन उसने 10 किलो वजन कम कर लिया था और चाय का स्वाद भी लाजवाब था। बाजार में मिलने वाली किसी भी वजन कम करने वाली दवा या हर्बल चाय से यह कहीं बेहतर थी। तुम्हारे पास और चाय है विपिन? मोहनलाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या है मोहन जी, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बैग से औषधि चाय की 5 बोतलें निकाली। उसने 20 बोतलें चाय तैयार की थीं, जिनमें औषधि की शक्ति को कम किया गया था। आज वह सिर्फ 5 बोतलें लेकर आया था। 5 बोतलें! मोहनलाल की आंखें चमक उठी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक चाय की बोतल मुझे 5,000 की पड़ेगी, 5 बोतलों के 25,000 हो जाएंगे, और 25,000 खर्च कर मैं फिर से एक स्मार्ट आदमी बन सकता हूं। ये सौदा बुरा नहीं है, मोहनलाल ने मन में सोचा। हाहा विपिन, तुम्हें पता है अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो लड़कियां मुझ पर फिदा थीं। अच्छा विपिन, थोड़ी देर रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं। इतनी अच्छी चीज सस्ती नहीं होनी चाहिए। मोहनलाल घर के अंदर गया और एक बैग से नोटों की गड्डी निकाल कर लाया। ये लो विपिन, ये पूरे 25,000 रुपए हैं, मोहनलाल ने नोटों की गड्डी देते हुए कहा। मोहन जी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? विपिन ने हैरानी से पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर ये पैसे भी कम लगे तो तुम अपनी कीमत बताओ, मैं और भी देने को तैयार हूं। इस चमत्कारी हर्बल चाय की एक बोतल के लिए 5,000 बहुत सस्ता है, वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है, विपिन ने पैसे ले लिए। उसने उन नए नोटों को एक बार ध्यान से देखा और खुशी महसूस की। ये 25,000 रुपए हैं। मैंने पूरे एक साल तक मेहनत करके सिर्फ 10,000 ही बचा पाया था, विपिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखते हुए कहा। थैंक्स मिस्टर मोहन। अरे मुझे मिस्टर मोहन मत कहो, अब से बस बड़ा भाई बोलना। क्या तुम्हारे पास और भी ऐसी चाय की बोतलें हैं विपिन? मेरी पत्नी भी अपने वजन की शिकायत कर रही थी, ये उसके लिए भी एकदम सही रहेगी। हाँ, मेरे पास अभी कुछ और बोतलें हैं, मैं उन्हें कल ले आऊंगा, विपिन ने जवाब दिया। ठीक है, कल उन्हें मेरे घर लेकर आना। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम इस हर्बल चाय को बाजार में बेचना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दवा इस चमत्कारी चाय का मुकाबला कर पाएगी। मोहनलाल भले ही मोटे थे, लेकिन वो एक चतुर बिजनेसमैन भी थे। उन्हें इस हर्बल चाय में अच्छा खासा मुनाफा नजर आ रहा था। हालांकि विपिन ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था, लेकिन वह किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन इसकी सामग्री इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और इसे बनाना भी। मैं इसे बड़े स्तर पर नहीं बना सकता, विपिन ने कहा। ओह, मोहनलाल थोड़े निराश हो गए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बोतलें हैं तो मैं उन्हें खरीद लूंगा। मेरे कई अच्छे दोस्त हैं और उनमें से कई मोटे भी हैं। पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। थैंक्स बड़े भाई, इतना कहकर विपिन वहां से चला गया। पैकेजों की डिलीवरी करने के बाद वह 25,000 रुपए हाथ में लिए औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर चल पड़ा। विपिन ने एक और खास तरह की औषधि बनाने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा की, जिसे आध्यात्मिक तरल कहा जाता था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक ऊर्जा आसानी से मिल जाती थी। उस समय के तपस्वी आर्षि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, लेकिन आज के मॉडर्न युग में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके कुछ अंश ही वातावरण में पाए जाते हैं। अब इस ऊर्जा को अवशोषित करना बेहद मुश्किल हो गया है। प्राचीन समय में ज्ञान चक्र को विकसित करने के लिए अमृत का उपयोग किया जाता था। हालांकि आध्यात्मिक तरल को अमृत नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कुछ हद तक अमृत जैसा ही काम करता है। अपनी शक्तियां बढ़ाने के इस सफर को शुरू करने से पहले विपिन को 2 चक्रों को जागृत करना होगा, पहला ज्ञान चक्र और दूसरा मणिपुर चक्र। सिटी हॉस्पिटल में जब विपिन ने डिवाइन बुक को अच्छे से पढ़ा था तो उसने ज्ञान चक्र को महसूस किया था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वह इस चक्र को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाया था। अब आध्यात्मिक तरल की मदद से वह इसे अच्छे से जागृत कर सकता था।
आध्यात्मिक तरल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक ड्रैगन मशरूम था, जो कम से कम 50 साल पुराना होना चाहिए। इस आधुनिक युग में ड्रैगन मशरूम को केवल कुछ महंगी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण यह बहुत महंगा हो गया है। पहले के समय में यह मशरूम बस टकों के भाव में बिकता था। जड़ी बूटियों के इस बाजार में विपिन ने कई दुकानों पर ड्रैगन मशरूम देखा, लेकिन वह पहले सभी जगहों पर घूम घूम कर अच्छे से देखना चाहता था। आखिरकार उसने एक 60 साल पुराने ड्रैगन मशरूम को खरीद लिया, जिसकी कीमत उसे 10,000 रुपये चुकानी पड़ी। बाकी जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 8,000 रुपये थी। अब विपिन के पास 25,000 रुपये में से सिर्फ 7,000 रुपये बचे थे। ये पैसा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, विपिन ने मन में सोचा। उसे अब और पैसों की जरूरत थी, क्योंकि शक्तियां बढ़ाने के लिए और जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, और जड़ी बूटियां बिना पैसों के नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के बाद उसने ब्यूटी और सेक्सुअल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू किया। बाजार में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद उसे कुछ जड़ी बूटियां मिल गईं। आज रात वो इन प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करेगा। घर पहुंचने के बाद वह मेज के सामने बैठ गया, जिस पर उसने सभी जड़ी बूटियां रखी थी। सबसे पहले वह आध्यात्मिक तरल बनाने वाला था। आध्यात्मिक तरल बनाने की विधि भी वजन घटाने वाली औषधि बनाने की तरह ही थी। सबसे पहले जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर ऊर्जा की मदद से शुद्ध करना होता था, फिर उन्हें किसी कटोरे में रखकर कूटना होता था। जब तक कोई तरल पदार्थ ना निकल आए, तब तक उन्हें कूटते रहना होता था, और आखिरकार आध्यात्मिक तरल तैयार हो जाता था। 2 घंटे बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। विपिन ने फिर से अपने पैरों को मोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली, कटोरा उठाया और अपना सिर पीछे झुकाते हुए उस सुनहरे रंग के आध्यात्मिक तरल को एक ही झटके में पी लिया। जैसे ही तरल उसके गले से नीचे उतरने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म लावा निकल रहा हो। तरल पेट में जाने के बाद उसे असहनीय जलन और दर्द होने लगा। आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए विपिन को अपने शरीर में ज्ञान चक्र के छिद्रों को खोलना था। विपिन ने ध्यान केंद्रित किया और आध्यात्मिक तरल को अपने शरीर के हर छिद्र में पहुंचाने लगा, जिससे वह उसकी हर एक कोशिका में बहने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर में गहरे बदलाव होने लगे। उसके शरीर से गाढ़ा काला तरल निकलने लगा, जो शायद शरीर में संचित अशुद्धियों का प्रतीक था। इस दौरान उसके मस्तिष्क में ज्ञान और विज्ञान की ऊर्जा बढ़ने लगी, और यहां तक कि उसके चेहरे में भी कुछ बदलाव महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नया जन्म लिया हो। पूरे 6 घंटे बाद विपिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अद्वितीय सफेद रोशनी चमक रही थी, जो उसकी नई शक्ति का संकेत थी। उसने खुद को पहले कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। उसके शरीर के हर हिस्से में ताकत थी, और उसका शरीर पहले से हल्का महसूस हो रहा था। हालांकि आसपास अंधेरा था, लेकिन उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। उसकी सुनने की शक्ति भी पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। उसने कान हिलाए और पाया कि वह दूर दराज के घरों से सांसों की भारी आवाजें और हल्की सी कंपकंपी भी सुन पा रहा था। यह उसे बहुत अजीब लगा कि इतने देर रात को भी लोग जाग रहे थे। तभी उसे एक बहुत ही तेज और अप्रिय बदबू का एहसास हुआ। वह तुरंत समझ गया कि यह बदबू उसके शरीर से निकलने वाले काले तरल की थी। वह तेजी से बाथरूम की ओर भागा और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहाया। उस काले तरल के धुलने के बाद उसकी त्वचा नवजात शिशु की तरह गोरी और चिकनी हो गई थी। नहाने के बाद वह खुद को देखने के लिए शीशे के सामने खड़ा हो गया। जब उसने खुद को देखा तो पाया कि उसके शरीर में कुछ अद्भुत बदलाव हुए हैं। वह इन बदलावों को देखकर दंग रह गया। उसके मन में हैरानी और खुशी दोनों का एहसास हो रहा था। अब विपिन समझ चुका था कि आज से वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के एक नए सफर पर निकल चुका है। विपिन को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आध्यात्मिक तरल के असर को पूरी तरह महसूस करने के बाद वह अपनी नई मिली शक्तियों को परखने के लिए गांव के पास के पहाड़ की ओर निकल पड़ा। अब उसकी स्पीड, ताकत और रिफ्लेक्सेस एक आम इंसान की तुलना में कहीं बेहतर हो गए थे। पहले उसका शरीर कमजोर था और वह किसी साधारण आदमी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं जीत सकता था, लेकिन अब वह इतनी ताकतवर हो गया था कि एक ही मुक्के से किसी की जान ले सकता था। रात भर पहाड़ पर ट्रेनिंग करने के बाद वह सुबह घर लौट आया और थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद काम पर निकल गया। जब वह काम पर पहुंचा तो आनंद अंकल सुबह से ही उसे घूर रहे थे, जैसे वे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अरे विपिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले से काफी मजबूत हो गए हो?
और तुम्हारी स्किन का रंग भी पहले से गोरा लग रहा है। ये सच में तुम ही हो ना, या फिर किसी और ने तुम्हारा रूप धर लिया है? आनंद अंकल ने उलझन में पूछा। विपिन ने हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल जी मैं ही हूं, कोई बहुरूपिया नहीं। मुझे लगता है कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। आनंद अंकल ने उसे एक बार फिर गौर से देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, शायद तुम सही कह रहे हो, मेरी बूढ़ी आंखें अब कमजोर होने लगी हैं। विपिन हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी थ्री व्हीलर बाइक पर पैकेज लादकर DLF लेजर पार्क की ओर निकल पड़ा। जब विपिन ने मोहनलाल को डिलीवरी दी तो उसे देखकर मोहनलाल भी हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई और इंसान देख लिया हो। तुम विपिन ही हो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम काफी बदल गए हो? तुम्हारी स्किन पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही है और तुम्हारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट लग रही है, मोहनलाल ने उलझन में पूछा। विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बाइक से एक बड़ा प्लास्टिक का थैला निकाला और मोहनलाल को पकड़ा दिया। बड़े भाई मोहन, जैसा आपने कल कहा था, इसमें कुल 16 बोतलें हैं। मोहनलाल की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने जल्दी से थैला पकड़ लिया। थैले में झांकते ही उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है विपिन, थैंक्स अ लॉट, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा और विपिन के हाथों को कसकर पकड़ लिया। 16 बोतलें, हर एक के 6,000 रुपए, कुल मिलाकर 90,000 रुपए हो गए हैं। मैं इसे 1,00,000 रुपए के करीब कर रहा हूँ। विपिन, तुम्हें कैश चाहिए या फिर मैं इसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? मोहनलाल ने पूछा। कैश ठीक रहेगा, विपिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। उसे पता था कि औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में 1,00,000 रुपए बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे, इसलिए हाथ में कैश रहना ठीक होगा। ठीक है, एक मिनट रुको। मोहनलाल थैला लेकर अपने घर के अंदर चला गया। जब वह वापस आया तो उसने विपिन को एक काले रंग का ब्रीफकेस पकड़ा दिया। विपिन ने ब्रीफकेस खोला और देखा कि उसमें नए नोटों के 10 बंडल थे। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए मोहनलाल से कहा, थैंक यू भाई। अरे तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हारे पास और भी ऐसी बोतलें हों तो पहले मुझे देना। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए विपिन के कंधों को थपथपाया। ओके बड़े भाई, जैसा आपने कहा मैं याद रखूंगा। ओ एक मिनट रुको बड़े भाई, मैं कुछ और भी लाया हूं, पता नहीं आपको ये चीज पसंद आएगी भी या नहीं, विपिन ने कहा। ओह वो क्या चीज है? मिस्टर मोहन अब उस चीज को देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। विपिन ने अपना बैग खोला और अंदर से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने हल्के से खांसा, फिर अपनी आवाज नीची करते हुए रहस्यमय ढंग से बोला, भाई मोहन ये चीज आपकी मर्दानगी को मजबूत कर सकती है। मिस्टर मोहन की आंखें चमक उठी और उन्होंने अश्लील रूप से मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच? विपिन ने जवाब दिया, हाँ ये एक हानिरहित नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसे पीने के बाद आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मोहनलाल ने विपिन की बात पर भरोसा किया, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने पहले ही देखा था कि विपिन की चमत्कारी चाय की वजह से उनका वजन एक दिन में 10 किलो तक कम हो गया था। शायद यह भी उसी तरह की एक शक्तिशाली औषधि होगी। बोतल देखकर मोहनलाल की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। ओके ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखता हूं, मोहनलाल ने कहा। क्या अभी? विपिन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अभी, मोहनलाल ने आत्मविश्वास से कहा। इसके बाद उन्होंने विपिन के हाथ से बोतल ली, ढक्कन खोला और उसमें भरी औषधि को पीने लगे। अरे रुकिए, विपिन ने रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहनलाल ने लगभग एक ही घूंट में आधी बोतल खाली कर दी थी। क्या हुआ? मोहनलाल ने घबराहट में पूछा। विपिन ने बोतल वापस लेते हुए कहा, बड़े भाई मैं आपको बताना भूल गया कि यह औषधि बहुत पावरफुल है, आपको हर बार केवल कुछ घूंट लेने की जरूरत है। अब जब आपने एक ही घूंट में आधी बोतल पी ली है तो मैं केवल आपको दिलासा ही दे सकता हूं। मोहनलाल ने विपिन की ओर कंफ्यूज होकर देखा और जब उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ आई तो उनका चेहरा बदल गया। विपिन एक मिनट, मैं अभी आया। मोहनलाल जल्दी से घर के अंदर भागे जैसे उन्हें किसी कुत्ते ने काट लिया हो। उन्हें इस तरह भागते देख विपिन ने पूछा, भाई आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? विपिन अवाक होकर घर के बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। अपने कानों को ढकने के बावजूद वह उन आवाजों को साफ साफ सुन सकता था क्योंकि आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसकी सुनने की क्षमता भी बढ़ गई थी। विपिन वहां काफी देर तक खड़ा रहा लेकिन मिस्टर मोहन अब तक भी घर से बाहर नहीं आए। जब उन्हें बाहर आता नहीं देखा
तो विपिन वहां से निकल गया और बाकी के पैकेज डिलीवर करने चला गया। 4 घंटे बाद जब वह मिस्टर मोहन के घर वापस आया तो उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद मिस्टर मोहन ने दरवाजा खोला। वे थोड़े थके हुए से लग रहे थे और उनके पैर कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विपिन, विपिन यार, आज तो चमत्कार हो गया। मैं बिस्तर पर किसी जानवर से कम नहीं था, मिस्टर मोहन ने उत्साहित होकर कहा। पहले आप आराम कर लो बड़े भाई, विपिन ने उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओके, वैसे विपिन, तुम्हारी औषधि कमाल की है, क्या तुम्हारे पास और भी है? मैं उन सभी को खरीद लूंगा। 20,000 प्रति बोतल, मिस्टर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के लिए इससे काम चला लो, मैं आपको कल कुछ और दे दूंगा, विपिन ने एक आधी बोतल देते हुए कहा। बोतल को देखते ही मिस्टर मोहन ने वह तुरंत विपिन के हाथों से ले ली। फिर वह घर के अंदर गया और अपने साथ 2 नोटों की गड्डी लेकर आया। थैंक यू भाई मोहन, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। यह मिसेस के लिए एक ब्यूटी क्रीम है। विपिन ने अपने बैग से एक छोटा सा पीतल का डिब्बा निकाला जिसमें ब्यूटी क्रीम थी। यह ब्यूटी क्रीम जिसे विपिन ने कल रात ही तैयार किया था, स्किन फेयरनेस के लिए बनाई गई थी। इसे स्किन पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते थे, स्किन को क्लीन और मॉइस्चराइज किया जा सकता था और उसका रंग निखर जाता था। बहुत बढ़िया, मिस्टर मोहन ने जल्दबाजी में वह बॉक्स लेते हुए कहा। क्रीम लेने के बाद मिस्टर मोहन ने विपिन को कुल 120,000 रुपए दिए। उन पैसों को लेकर विपिन सीधा औषधीय बाजार पहुंच गया, जहां उसने आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी, जिसमें उसके आज कमाए गए आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। उसने फिर वजन घटाने, ब्यूटी क्रीम और सेक्सुअल औषधि बनाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां खरीदी। सभी जड़ी बूटियां खरीदने के बाद उसका थैला फुल हो गया था। वजन घटाने की औषधि एकदम सही है, जहां तक सेक्सुअल औषधि की बात है मुझे उसे थोड़ा और पतला करना होगा, वरना यह पीने वाले पर उल्टा असर डालेगी। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है मुझे अभी भी उसके असर का पता नहीं है, विपिन ने सोचा। ब्यूटी क्रीम वजन घटाने और सेक्सुअल औषधि से अलग थी। इसे पीने के बजाय स्किन पर लगाना पड़ता था और सभी लड़कियों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए इसे टेस्ट करने के लिए उसे और भी लड़कियों की जरूरत थी। लेकिन विपिन की ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई फ्रेंड। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, आखिर मैं इतनी अलग अलग स्किन वाली लड़कियों को ढूंढूं कहां? विपिन ने अपनी छोटी 3 पहिया बाइक को सड़कों पर तेजी से चलाते हुए सोचा। तभी अचानक उसकी नजर सामने एक चमकते हुए साइनबोर्ड पर पड़ी, पैराडाइज स्पा। विपिन ने पैराडाइज स्पा के सामने बाइक खड़ी की। बाहर से देखने पर स्पा से गर्म भाप निकलते हुए नजर आ रहे थे और चारों तरफ एक सुगंध फैली हुई थी। वह कुछ देर के लिए हिचकिचाते हुए स्पा के सामने खड़ा रहा, सोचता रहा कि अंदर कैसे कैसे काम चल रहे होंगे। ये सब सोचकर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर सोचने के बाद विपिन ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अजीब होगा। वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि स्पा से 2 लड़कियां बाहर निकली। उन्होंने घटिया किस्म के कपड़े पहने हुए थे और भारी मेकअप किया हुआ था। उन लड़कियों ने जब विपिन को बाहर खड़े देखा तो उसकी ओर देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। विपिन ने भले ही सादे कपड़े पहने थे लेकिन अब उसकी बॉडी फिट थी और उसका चेहरा पहले से भी सुंदर हो गया था। लड़कियों ने उसे देखा और कहा, अरे हैंडसम, अंदर आओ और हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करो। उन्होंने विपिन की ओर हाथ हिलाया और उसे आंख मारी। उनमें से एक लड़की उसकी ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। ओ मिस, ये ठीक नहीं है, विपिन ने शर्म से लाल होते हुए कहा। इस वक्त उसका सिर किसी बच्चे की तरह कांप रहा था।